टॉप 20 न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय सिम्बायोसिस सेंटर फॉर स्किल डेवलपमेंट। नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज के टॉप 20 में मैं हूं आपके साथ भाग्यश्री। दिल्ली सरकार में मंत्री और आप नेता कैलाश गहलोत को ईडी का समन मिला है। शराब घोटाले में उन्हें नोटिस मिला है। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के समर्थकों ने हंगामा किया है, उन्होंने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। उत्तर प्रदेश के देवरिया में गैस सिलेंडर फटने से 4 लोगों की मौत हो गई है। दिल्ली के रामलीला मैदान में कल इंडिया गठबंधन की रैली होगी, इसमें गठबंधन के सभी बड़े नेता शामिल होंगे। भारतीय नौसेना ने कहा कि अरब सागर में उसने 23 पाकिस्तानियों को सोमालिया के समुद्री लुटेरों से बचाया। 12 घंटे से ज्यादा समय पर ऑपरेशन चला। INS सुमेधा और INS त्रिशूल इस ऑपरेशन में अहम भूमिका निभाई। राष्ट्रपति भवन में आज भारत रत्न सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। आज जिन लोगों को सम्मानित किया जाएगा उसमें कर्पूरी ठाकुर, MS स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह और PV नरसिम्हा राव का नाम शामिल है। आज इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की छोटी बेटी आसिफा भुट्टो जरदारी शुक्रवार को निर्विरोध संसद सदस्य निर्वाचित हुई। यह सीट आसिफा के पिता आसिफ अली जरदारी के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद खाली हुई थी। कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल की बहू डॉक्टर अर्चना पाटिल चाकुरकर BJP में शामिल होंगी। उन्होंने कल महाराष्ट्र के डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की थी। लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण के लिए नाम वापसी की अंतिम तिथि 30 मार्च यानी आज है। पहला चरण 19 अप्रैल को 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 102 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए होगा। शरद पवार गुट वाली NCP आज उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। बारामती से शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले को टिकट दिया जा सकता है। सातारा लोकसभा सीट का शरद पवार ने जायजा लिया। सातारा में पार्टी संगठन के लोगों से और इच्छुक उम्मीदवारों से उन्होंने बातचीत की। सांसद श्रीनिवास पाटिल ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। मुंबई के राजीव गांधी बांद्रा वैली सीलिंग पुल पर टोल शुल्क करीब 18% तक बढ़ा दिया गया है और नई दरें 1 अप्रैल से प्रभावी होगी। महाविकास आघाड़ी MBA के घटक दल उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना UPT और कांग्रेस के बीच सांगली सीट पर सहमति नहीं बन पाई है। दोनों ही इस सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। यह सप्ताह जहां कईयों के लिए लॉन्ग विकेट बना हुआ है, वहीं दूसरी ओर कई दफ्तरों की छुट्टियां कैंसिल हो गई हैं। शनिवार और रविवार को बंद रहने वाले कई दफ्तर इस सप्ताह पर खुले रहने वाले हैं। उनमें तमाम बैंक, LIC, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आदि शामिल है। शुक्रवार को गोल्ड के रेट 67,350 रुपए प्रति 10 ग्राम पर जा पहुंचे हैं। इसके बावजूद बड़े ज्वेलर्स को पूरी उम्मीद है कि अगली तिमाही में ज्वेलर्स की डिमांड 10% बढ़ सकती है। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए मयंक डाकर 9वां ओवर करने आए। इस ओवर की चौथी गेंद पर वेंकटेश अय्यर ने 106 मीटर लंबा छक्का लगाकर फैंस को हैरान कर दिया। लखनऊ सुपर जॉइंट्स और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम लखनऊ में खेला जाएगा। तमिल अभिनेता डेनियल बालाजी की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई है। वे 48 साल के थे। उनके निधन से उनके फैंस और तमिल इंडस्ट्री को गहरा सदमा लगा है। 29 मार्च को सिनेमाघरों में करीना कपूर, तब्बू और कृति सेनन स्टारर फिल्म क्रू रिलीज हो गई है। ये फिल्म लोगों को एंटरटेनिंग लग रही है और इसे अच्छे रिव्यू मिल रहे हैं। रणबीर कपूर के खाते में इस वक्त कई बड़ी बड़ी फिल्में हैं। फिलहाल वो नितेश तिवारी की रामायण की तैयारी में जुटे हैं। इसके बाद लव एंड वॉर और एनिमल पार्क भी लिस्ट में शामिल है। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए NBC न्यूज। नमस्कार।